नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 और 25 अक्टूबर के आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आए दोस्तों, से साथ बात करते हैं यश में, ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 24 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन रविवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और रोहिणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन वरियान नाम का शुभ योग रहेगा और परिग नाम का भी शुभ योग रहेगा। वहीं दोस्तों, राहु काल के समय की बात करें तो दोस्तों इस दिन यह समय रहेगा शाम के 4:25 से लेकर शाम के 5:50 तक। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा जी वृषभ राशि पर संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों अगले दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन मृषभ नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो परिग नाम के योग के उपरांत ही इस दिन शिव नाम का शुभ योग रहेगा। और दोस्तों, राहु काल के समय सुबह के 7:56 से लेकर सुबह के 9:21 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा का इस दिन संचार वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में हो जाएंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय सभी पहलुओं पर नजर रखते हुए अपने कार्य व्यवसाय को बेहतर दिशा में देने का प्रयास करें। यदि आप राजनीति का पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रयास करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष तथा प्यार पक्ष को लेकर स्थितियाँ यह समय सामान्य रहने वाली है। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो परिवार में कोई दुखद घटना हो सकती है। चुनौती से पार पाने के लिए आपको दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। बड़े भाई माता से या फिर पिता से मतभेद उत्पन्न होने की संभावना भी बन रही है, अतः यश में अपने व्यवहार को सीमित रखें। अपने वाणी पर आप यश में नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन को लेकर मन में कुछ अपर्शन की भावना रह सकती है अथवा किसी परिजन को लेकर चिंताएँ भी यश में रहेगी। दोस्तों, इन दिनों में अपने सहयोगियों और दोस्तों से कुछ बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग भी आपको मिलेगा। दोस्तों, आप अपनी टीम या फिर सहयोगियों के साथ बाहर जाने की योजना भी यश में बना सकते हैं। दोस्तों, अपने किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का आप यश में प्लान भी बनाएंगे। वही दोस्तों, आपको यश में जीवन साथी या फिर प्रेमी से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है जो आपको खुश करने के साथ ही भावुक भी कर सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों काम में आपका दोस्त बहुत ही सहयोगी रहेगा। उन्हें भोजन के लिए आप ले जाएं और एक अच्छा गिफ्ट भी उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश का जो नज़रिया है अपना सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ होगी और धन बचत हो पाएगी। दोस्तों, यश में आपकी लव लाइफ को लेकर अगर बात करें तो आपके प्रेम संबंधों के लिए यश में बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आप दोनों खुलकर एक दूसरे के समक्ष आएंगे और बहुत सी सारी बातें कहेंगे। अपने दिलों की बातों भी आप यश में शेयर कर सकते हैं जो पहले कभी ना की हो। दोस्तों, इन दिनों में यश में आपका साथी आपको पत्र के साथ साथ सरप्राइज भी दे सकता है। उनके प्रयासों की आप यश में सराहना करें। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आप काम में सुस्त रह सकते हैं, थकान और तनाव भी आपको परेशान यश में करेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित शिकायत रह सकती है एवं दोस्तों यश में आपको मानसिक संपाक भी भोगना पड़ सकता है। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा काला और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। दोस्तों, यश में ग्रहों की स्थिति देखने पर आपको जो है आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन रही है।
दोस्तों ऐसे में आर्थिक मामलों पर आप सावधानी रखें, ऐसा गणेश जी कहते हैं। दोस्तों यश में बड़ा पूंजी आप निवेश न करें। दोस्तों यश में शेयर दलालों को बहुत सावधानी रखकर सट्टा करना हितकर है। दोस्तों यश में नौकरी करने वालों को उनके सहकर्मियों के साथ सहयोग मिल सकता है जो उनकी प्रगति में सहायक साबित होगा। दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें यानी धन को लेकर, तो दोस्तों यश में आप खुश रहेंगे क्योंकि आपके सरल उपाय आपका कीमती समय बचाएंगे, आप अपने कार्य को शानदार निपुणता से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों यश में प्रोडक्टिविटी और प्रभावशीलता दोनों में सुधार होने की संभावना है। दोस्तों गणेश जी का मानना है कि आप अपने मालिकों को यश में बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। वही दोस्तों पारिवारिक जीवन की बात करें तो यश में आपके रिश्ते में किसी प्रकार की समस्या के संकेत नहीं मिल रहे हैं। आपका जो प्यार है, पारिवारिक जीवन है, यश में निर्विघ्न होगा। आप अपने पीढ़ी के साथ रोमांटिक पल का आनंद लेंगे। दोस्तों यश में क्रिएटिव गतिविधियाँ आपके लिए आपके घरेलू जीवन को बिगाड़ सकती है। दोस्तों यश में अपने साथी के साथ बिताया गया मजेदार समय आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, दोस्तों यश में वास्तव में आप अपने वित्त के बारे में गंभीर रहेंगे। दोस्तों यश में आपको दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन के बारे में भी अधिक सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए। हालांकि दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये दिन बुरा नहीं है, लेकिन उतना शानदार भी नहीं है। दोस्तों गणेश जी का मानना है कि यश में आप दूसरों के साथ टकराव से बचें, इससे आपकी ऊर्जा तेजी से व्यय हो सकती है। दोस्तों जीवन में खुश और संतुलित रहने की यश में आप कोशिश करें। वही दोस्तों इन दिनों में आप अपने वजन पर है जो नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आप यश में बचें। अपने धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आप यश में सीख सकते हैं और आप इस हुनर को सीखकर अपने धन को भी बचा पाएंगे। दोस्तों परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। आपके प्रिय यानी जीवन साथी का फोन भी आपका दिन खुश बना देगा। दोस्तों जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, यश में उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है। लेकिन दोस्तों घर में किसी काम के आ जाने से फिर से आपको व्यस्त रहना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपकी और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें क्या सही समय होगा। दोस्तों यश में हो सकता है बहुत ही बढ़िया दोस्ती और परिजनों के साथ बाहर जाकर फिल्म देखने की योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, यदि घर में स्त्री प्रतिदिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाल दे, तो दोस्तों उसका अपने पति से और उस घर के सभी सदस्यों का आपस में हमेशा प्रेम बना रहता है और उस घर का आर्थिक पक्ष भी हमेशा के लिए मौजूद रहता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।